हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ग्लोई सा पर्पल मेकअप लुक, जो कि आप किसी भी ओकेशन में कर सकते हैं, बर्थडे या कहीं भी आपको जाना है तो बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB का फेस सीरम है ये, और बहुत ही अच्छा है ये फेस सीरम। सो अगर आप इसे लगाते हैं तो आपका जो बेस है वो बहुत ही अच्छा बनता है, फ्लॉलेस बेस बनता है, और इससे आपकी जो स्किन है वो भी सेफ रहती है, बिकॉज़ ये आपके मेकअप बेस और आपकी स्किन के बीच एक परत बना देती है। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लिप बाम। ये मैंने होममेड है, मैंने बनाया था, सो इसकी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र, और ये है वनीला फ्लेवर में, और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज़ करता है। अच्छे से मैं अपनी स्किन पर इसे अप्लाई कर लूँगी, और इसके बाद मैं इस तरीके से मसाज दे रही हूँ थोड़ी सी, ताकि बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाए मेरी स्किन में। यहाँ मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का फेस प्राइमर, और ये बहुत ही अच्छा फेस प्राइमर है, बहुत अच्छे से आपके ओपन पोर्स को कवर करता है। सो इसे मैं अप्लाई करूँगी, और इस तरीके से इसे अच्छे से मैं टैप टैप करते हुए अपनी स्किन पर 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल एरियाज़ के लिए 303, और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑरेंज शेड है। सो इसे मैं अपने लिप्स के आसपास भी अप्लाई करूँगी। स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है, और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा बेस बनाता है, आपका फ्लॉलेस एकदम बेस बनता है। इस तरीके से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छा आपका बेस बनता है। और ये मेरी स्किन टोन है, सो बहुत ही लाइट वेट है, और बहुत अच्छा आपको बेस देता है। ब्लेंड कर लूँगी मैं ब्लेंडर से, ईजिली ब्लेंड हो जाता है, एंड देन आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो बहुत ही अच्छा है, और 350 की रेंज में ये आप परचेज़ कर सकते हैं। सो ईज़िली ब्लेंडेबल है, सो आप देख सकते हैं फुल कवरेज देता है ये। सो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने इसे यहाँ। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ NYB का लिक्विड कंसीलर, और अपनी आईज़ के नीचे अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। और लिक्विड कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये NYB का ही मैं स्टिक वाला भी यूज़ करती हूँ, और वो भी बहुत अच्छा है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना इजी भी ब्लेंड हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पर्पल का फेस पाउडर, ब्रश की हेल्प से मैं लगाऊँगी, अच्छे से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूँगी, और ये बहुत अच्छा है। देन मैं ले रही हूँ NYB की कॉन्ट्यूर स्टिक, और बहुत स्मूथ स्टिक है, और कॉन्ट्यूरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छे से कॉन्ट्यूरिंग करूँगी मैं अपने फेस की, और अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसे। ब्रश की हेल्प से भी बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ अपने आई मेकअप के लिए मिस रोज़ की पैलेट है, और इसमें 72 शेड्स हैं, लिप ग्लोज हैं, फेस पाउडर है, ब्लशर है। देन मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा आई मेकअप से पहले मैं यहाँ पर पाउडर लगा लूँगी, ताकि
जो भी डस्ट फॉल हो रही है वो मेरे मेकअप को ख़राब ना करे। बट सबसे पहले आईब्रो को फिल करूँगी मैं। और ये है मेरे पास स्विस ब्यूटी की आईब्रो डिफाइनर किट, और इसका ब्लैक शेड मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। देन हम चलते हैं आई मेकअप पर, और पर्पल की देख सकते हैं आप लाइट से डार्क 4 शेड है इसमें, और सभी लाइट कलर से डार्क कलर तक है। तो सबसे पहले मैं सबसे लाइट शेड लूँगी जो अपने क्रीज एरिया के ऊपर की तरफ अप्लाई करूँगी, और इसमें सभी शेड इसी प्रकार से हैं लाइट टू डार्क, और बहुत ही अच्छी पैलेट है और बहुत ही अच्छा इसमें जो भी प्रोडक्ट है, इसका ब्लशर है, इसका फेस पाउडर है, लिप ग्लॉस हैं, लिप कलर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ इससे नीचे वाले डार्क शेड, थोड़ा सा 4 शेड हैं, सबसे पहले लाइट, उससे डार्क, देन सबसे डार्क शेड। सो 4 शेड ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये सेकंड शेड है जो मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपना थर्ड शेड अप्लाई करूँगी जो मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी, फुल आईलिड पर। और कोई भी हार्श लाइन नहीं बनती है अगर आप इस तरीके से आई शेडो यूज़ करती हैं तो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे ये आई शेडो पैलेट यूज़ करते हुए। इस तरीके से मैंने इस पैलेट में से फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है, और आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा एक आई मेकअप लुक मिला। अब भी जो इसका लास्ट डार्क शेड है वो मैं अपने आउटर कॉर्नर पर भी बनाते हुए अपनी कट क्रीज पर लेकर जाऊँगी इसे। स्मॉल ब्रश का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से सो मैंने अप्लाई कर लिया है। इसका ही वाइट शेड लूँगी मैं और अपने ब्रॉ बोन्स पर लगा लूँगी। ब्लेंडिंग ब्रश से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। सेम ये डार्क जो शेड है मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे की तरफ अप्लाई करूँगी अपनी आईज के नीचे। यहाँ मैं ले रही हूँ अपना हाइलाइटर, लस्टर का है, और इसका जो मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ वो अपने आउट इनर कॉर्नर पर आईलिड पर, हाफ आईलिड पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था ये ऐसे इस तरीके से आप कट क्रीज का लुक दे रहे हैं यहाँ पर, सो इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। स्टे क्रिकी का जेल लाइनर है, अपना आईलाइनर लगाऊंगी मैं इसे यहाँ पर, विंग्स, थोड़ा सा विंग्स का लुक दूंगी हल्का सा, और बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये। थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर की तरफ, बाहर की तरफ हम इसे निकालेंगे, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना मस्कारा, सॉरी अपनी वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी इसे मैं, और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ शेप दूंगी इसका। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। ये है, आई एम सॉरी, मैं
हाँ ऐसा पर सोनी का मस्कारा है, जो भी पाउडर किया था उसे डस्ट आउट कर देंगे, ब्रश की हेल्प से हटा दूंगी मैं। और यहाँ पर अपने आईलैशेस लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। सो पर्पल का डुअल हाइलाइटर है ये, और इसके दो शेड हैं, एक है ब्राउन्स में और एक है सिल्वर में। सो सिल्वर कलर में अप्लाई करूँगी, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये। और अपने नोज़ पर हाइलाइटिंग एरियाज पर इसे अप्लाई करेंगे और अपने फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज़ की लिपस्टिक, सॉरी मैं इसका नाम भूल गई क्या था, और इसे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लाइट ही रखूँगी मैं, और मैट फिनिश में है सो मैंने इसके ऊपर लगाया है थोड़ा लिप ग्लोज, ताकि मेरी लिप्स थोड़ी शाइनी रहें। तो ये है मेरा मेकअप लुक फाइनल। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी ये मैंने किया था सेल्फ ब्राइडल लुक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको लिंक पसंद वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।